और ये बात करते हैं पानी में योग की। इक्कीस जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए देश भर में जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है, लेकिन जोधपुर में एक जगह ऐसी भी है जहां पर पानी में योग सिखाया जाता है। एक रिपोर्ट देखिए। ईटीवी आपको पानी के योग के सफर पर लेकर चलता है। ये जोधपुर के दाऊलाल मालवीय संस्थान के सदस्य है, ये पानी में योग सिखाते हैं। चलिए पानी में योग का सफर शुरू करते हैं। पहले ये लोग पानी की सतह पर उतरे, फिर पानी में ही योग करना शुरू किया। इन्हें देखिए किस तरह से पानी में योग कर रहे हैं। पानी के अंदर जमीन पर बैठकर आराम से योग कर रहे हैं। इसे देखकर लगता है मानो पानी में नहीं जमीन पर योग किया जा रहा है। मैं पद्मासन कर रही हूँ, योग है और मुझे वो अच्छा लग रहा है और इससे रिलैक्स फील करते हैं काफी। उससे गले से बहुत स्वस्थ रहते हैं, शरीर में एनर्जी आती है और काफी रिलैक्स फील करते हैं। अब देखिए ये दूसरा योगासन, अपने दोनों हाथ जमीन पर लगाकर उल्टे खड़े हो गए। पानी के अंदर बनी दीवार के सहारे ये लोग खड़े हैं। पानी के अंदर ही नहीं पानी की सतह पर तैर कर भी योग कर रहे हैं। अब आप देखिए तीसरा योग, पानी के ही अंदर। एक बार फिर सभी लोग पानी की सतह पर योग कर रहे हैं। तैराकी के साथ योग का प्रशिक्षण शुरू किया था। हमारे पूर्वज तो पानी के अंदर दो दो दिन पद्मासन लगा के लेट जाते हैं, सिर्फ बाथरूम करने के लिए बाहर आते थे, तो वो पद्धति बहुत बढ़िया है। योग के साथ में तैराकी करने से डबल स्ट्रेंथ, डबल पावर मिलता है। बड़ों के साथ बच्चे भी पानी में योग कर रहे हैं। दाऊ की ढाणी में चलने वाले ट्रेनिंग सेंटर में लंबे समय से पानी में योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की बीमारियों से निजात मिलती है। डूबते लोगों को बचाने का प्रशिक्षण देने वाले दाऊलाल मालवीय हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। आने वाले 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है, मगर आप देख सकते हैं कि जोधपुर का यह है दाऊ की ढाणी, जहां पर ये देखिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पानी के अंदर योग कर रहे हैं। और यहां के जो दाऊलाल मालवीय जिसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका ये कह रहा है कि जो सामान्य योग होता है उससे कई गुना ये जो योग है ये उपयोगी होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये जो प्रयोग किया गया वो सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में किया गया है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौर, ईटीवी न्यूज जोधपुर। तो पानी में योग आपने देखा कि किस तरह से लोग यहां पर पानी में योग कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक अनोखा प्रयास है, या फिर यूं कहें कि अनोखी पहल है। छोटे से ब्रेक ना रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे।